फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, शाम की पूजा हमारी हो चुकी है। इस समय घड़ी में 7 बज रहे हैं। तो हम फटाफट से किचन में आ गए हैं और हम सब्जियों को कट कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें जाना मंदिर। शाम को कृष्ण और राधा की झांकी निकलने वाली है, तो 8:30 बजे हमें पहुंचना है। तो मैं फटाफट से किचन में खाना बनाऊंगी। ऋषि कृष्णा नहीं जाएंगे क्योंकि सुबह इन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, जाना है स्कूल, तो हम ही दोनों जाएंगे। तो हमने सोचा कि खाना बनाकर इन लोगों को खिला के जाएंगे। हम लोग जब आएंगे तब खाना खाएंगे। अभी हमको दर्शन भी करना है, गए भी नहीं थे गणेश जी का दर्शन करने। तो मैंने सोचा कि इस टाइम जो है फटाफट से इन लोगों को खाना बनाकर खिला के निकल देंगे। उसके बाद 10-11 बजे रात तक हम लोग आ जाएंगे। काफ़ी लंबा प्रोग्राम रहता है, 12-1 बजे तक रहता है प्रोग्राम। तो हम फटाफट से बना लेंगे अपनी रोटी सब्जी। उस दिन जब कृष्णा का बर्थडे था, हम लोग जा रहे थे तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मेरा मन किया कि मुझे भी जाना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं इनसे बोली कि मुझे भी चलना है। तो ये आए शाम को, तो मैं फटाफट से तैयार हो गई। सबसे पहले मैंने सोचा कि खाना बना दें, ताकि आने के बाद खाना बनाने का झंझट ना रहे। तो मैं सभी सब्जियों को कट कर लिया है। इन लोगों के लिए मैं मिक्स वेज की सब्जी बनाऊंगी और रोटी और सलाद रहेगा। सिंपल सा खाना बनाएंगे, क्योंकि सुबह जो है हैवी खाना हो गया था, इसलिए शाम को रोटी सब्जी बना रहे हैं। फटाफट से हम अपनी सब्जी में छौंक लगाएंगे। गायत्री मंदिर के पास लगा हुआ है। जब हम लोग जा रहे थे कृष्णा के बर्थडे के दिन, तभी जो है आते समय भी देखे, जाते समय भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा डांस हो रहा था वहाँ पे। तभी से मैंने मन बना लिया था कि मुझे जाना है। तो सब्जियों में मैंने छौंक लगा दिया है, अपनी सब्जी हल्की हल्की फ्राई भी कर ले रहे हैं और फटाफट से हम बना रहे हैं। इधर मैंने आटा भी निकाल के रख दिया है। जब तक हमारी सब्जियां होंगी तब तक हम अपना आटा भी गूंथ लेंगे। इसमें डालें कुछ मसाले, सब्जी मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हम ढक देंगे। जब तक हमारी सब्जी हो रही है तब तक हम आटे को मार लेते हैं। आठ 8:30 बजे हमें पहुंचना है, क्योंकि प्रोग्राम जो है 7 से 7:30 से ही चालू हो जाता है। तो देखिए, मैंने आटा भी लगा लिया है और सब्जी हमारी होने वाली है, तो एक बार हम इसे और चलाएंगे। इसमें डालेंगे पनीर, क्योंकि बच्चों को पनीर तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। मेरे बच्चों को खासकर पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। मिक्स वेज सब्जी ये लोग बहुत प्रेम से खाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि रोटी सब्जी बना देते हैं और इन लोगों को खिला के हम लोग निकल देंगे। हम लोग आने के बाद खाएंगे, क्योंकि मुझे दर्शन भी करना है। तो फटाफट से हम बना लेंगे अपनी रोटियाँ। पहली रोटी मैं अपनी गाय के लिए निकालूंगी और फिर बनाऊंगी हम अपने लिए रोटियां। सब्जी भी हमारी हो चुकी है और हम फटाफट से रोटी बना लेते हैं। इन दोनों को खाना खिला के जाएंगे ना तो ठीक रहेगा। हम लोग आने के बाद फटाफट से खा लेंगे, क्योंकि देर भी हो सकती है, पता नहीं कितना टाइम लगे वहाँ पे, 2 घंटे 3 घंटे।
क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही अच्छा रंगारंग कार्यक्रम होता है वहाँ पे। तो देखिए मैंने रोटियाँ सेक ली हैं, अब हम ऋषि कृष्णा के लिए खाना निकाल रहे हैं। तो तैयार हो चुकी है हमारी मिक्स वेज की सब्जी और रोटी। तो हम मिलते हैं आपसे मंदिर में। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, गायत्री मंदिर के पास लगा हुआ है गणेश भगवान की बहुत ही शानदार मूर्ति, जहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है। प्रतापगढ़ से लोग आए हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा कि डांस शुरू हो गया है। I'm gonna make you mine.